भारत भारत न्यूज 24 और पटना से चलकर के कंकड़बाग चेकपो स्टैंड, यहाँ पे देखिए यह जो गरीब और झोपड़पट्टी में जो रहते हैं उनके खिलाफ एक दिवस धरना रखा गया है। और हमारे साथ सुनील कुमार जो कुल प्रत्याशी है वार्ड समाज, किस धरना पे आप लोग बैठे हैं? धरना पर हम लोग आज जो है झुंझुनू झोपड़ी गुजारने के विरोध में एक विशाल धरना कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड में आज सोमवार के दिन हम लोग यहाँ के स्थानीय जो झुंझुनू झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, कोई ठेला रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई चौका बर्तन किसी के घर में जाते हैं, यहाँ पर कोई बिजनेस कर रहा है, मुर्गा बिक रहा है, मछली बिक रहा है, सब तरीका से सब्जी मंडी है। तो हम लोग जो आगामी जो तोड़ फोड़ हो रहा है दो चार दिन से, इसी के विरोध में हम लोग सभी समूह मिलकर के और हम लोग का यहाँ पर सबसे पहले अस्थायी रूप से व्यवस्था किया जाए। अस्थायी रूप से व्यवस्था करके हम लोग को रोटी कपड़ा और मकान दिया जाए। ऐसे जो हम लोग को बुलडोजर चलाते हैं, न जाने हाईकोर्ट कहाँ है कि यूपी से आप बुलडोजर बिहार में भी आ गया, कि हाईकोर्ट का कहना है। बताइए कि आप गरीब पर बुलडोजर चलाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पर बुलडोजर, रात में हम लोग सोए रहे और सरकार बुलडोजर चला दे, हम लोग को मार दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार इन गरीबों को सही ढंग से इनकी घर बना करके, स्थायी आवास बना करके दे, फुटपाथ पर दुकान बना कर करते और गरीब आदमी को हर तरीका से सुविधा दिया जाए। और इसीलिए हम सरकार को बार बार ध्यान दिला रहे हैं, नहीं तो हम लोग एक विशाल राजभवन मार्च भी करने जाएंगे। मित्रों, सभी लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि राजमार्ग, मुख्यमंत्री आवास, हम लोग घेराव का काम भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद उसी का रूपरेखा तैयार होगा और मैं आपके चैनल से चाहता हूं कि इन गरीबों की हक की आवाज़ को आप ऊपर तक पहुंचाइए और इन लोगों को न्याय दिलाइए, इनका घर चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान इन लोगों को दिलाइए। मैं सुनील कुमार राम, डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रणाम। सीधा यहाँ देखिए, एक गरीब आदमी यहाँ झोपड़पट्टी में जो रहते हैं अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरना है। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार हसन, भारत न्यूज। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक झोपड़ी में रहने वाले, इंसान में रहने वाले गरीबों को उनके रहने का, उनके जीने का ठिकाना नहीं मिल जाएगा। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगा। साथियों, यही वो मजदूर है, झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। कोरोना काल आपको याद होगा, कोरोना काल की जो राष्ट्रीय विपदा, जिस विपदा का श्रेय मिला सरकार को।